आम भारतीय संस्कृति में कह जाए मातृदेव भव पितृदेव भव आम समस्ते उक्ति को अनेक थर शुणी एवं कही प्रकृत में पितामाता भूमिका आम जीवन में के गुरुत्वपूर्ण ता जानापी जदि आम इतिहास पृष्ठा को लेटाइबा तेरे निश्चित रूप से जाणी जे सिद्धिदाता श्री गणेश अंध पितामाता नयनर तारा श्रवण कुमार एक ज्वलंत उदाहरण थे किंतु आजर जुगरे सेपरि संतान को खोजी पाइबा अति कष्टकर कहीं एवं समस्ते आधुनिकतार वशवर्ती होती पाश्चात्य सभ्यता को बहुमे भल पाई बसी से 14 फेब्रुआरी को समस्ते वैलेंटाइन डे रूपे पालन करनेक भूली जाऊँगी यही दिन पितृमातृ पूजन दिवस रूपे पालन कराए यह 14 फेब्रुआरी को समस्ते निजे प्रकृत भल पाइबा उत्सर्गीकृत करिथांती। वास्तव में प्रकृत भल पाइबा कौन से ही भल पाइबा जो भल पाइबा आमको प्रति बदल रे किछि भी मागी न थाए एक निस्वार्थपर भल पाइबा ही प्रकृत भल पाइबा आउ से भल पाइबा आम प्रेमिका प्रेमिकंक ठारु पाइबा परिवर्ते सब क्षेत्र रे निजो बापा मांक ठारु पाइथाउ सेति पाई तो आज दिन को आपण माने समस्ते पितृमातृ पूजन दिवस रूपे पालन कले निश्चित रूप से बापा मांक आशीर्वाद पाइपारे और जीवन में उन्नति करें। समस्त को मोर प्रणाम। आम विद्यालय प्रत वर्ष फेब्रुआरी 14 तारीख में पातृपितृ पूजन दिवस पालन कराए। COVID-19 जगरु आमर 2 वर्ष हम के मातृपितृ पूजन दिवस पालन करा जाई पारु नाही। एही दिवस रे आमर विद्यालय को पितामाता माने आसी थांती। एही विषय रे आमर गुरुजी गुरुमा माने किछि यथार्थता बुझै थांती। हेले दुखर विषय जे आजिकालि लोक माने जते शिक्षित हेउछंती सेमानक भितरे जते सभ्यता बढ़ुची सेही मात्रा रे अन्य पक्ष रे वृद्धाश्रम गुड़िकर बापा माँ मानकर संख्या बढ़ुची। एपटे लोक माने वैलेंटाइन्स डे पालन करी खुशी हेउछंती आउ सेपटे बापा माँ माने जंत्रणार लुह को आखिर बुहाई चली। तेणु पर पीढ़ी में जमी एपरी न हो से एवेठार प्रयास रही प्रति फेब्रुआरी 14 तारीख को मातृपितृ पूजन दिवस रूपे पालन करा स्कूल कॉलेज मानक पिला अभिभावक मान एकत्रित कर एक सभार आयोजन सेठारे पिला माने फूल चंदन दे निज पितामाता को पूजा करुछंती आउ एहा को एक पर्व रूप से सब विद्यालय रे पालन करिबा आरंभ होई सारिलानी। पितामाता हेछंती सबठारु बड़ देवता कथारे अछि पितामाता ठारु बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नाही तांकरी आशीष साहा एकासिना विपद तरिबा पई किंतु आजिर ए विपथगामी समाज रे पिला माने निज निजर पितामाता प्रति दायित्व कर्तव्यबोध को भूली जाउछंती किए नहीं जोराश्रम तो वृद्धाश्रम छाड़ देउछंती पितामाता को जहाँफल पितामाता एत दुख कष्ट सही पिला मानकु मनीष करिबा सत्वे निजे निजर शेष समय दुखरे काल काटुछंती निजे माँ निज सुख को आउ बापा मध्य निजर सुख को त्याग करिकी पिला मानक पई सब सुख स्वच्छंद जलांजलि दे पिलामानकर सुख कथा चिंता करथांती किंतु पिलामाने जेते बेले बड़ होई मणिस होई जायथांती बड़ चाकरीटे करथांती निजो पितामाता को भूली जाउछंती। फेब्रुआरी 14 हेउछि वैलेंटाइन दिवस हिसाब से पालन करउछंती समस्ते किंतु सेइटा हेउछि प्रकृत रे पितृमातृ पूजन दिवस पितामाता सहित पिलामानकर प्रकृत स्नेह प्रेमर निदर्शन थाए प्रत्येक तांकर हृदय प्रतिटि स्पंदन रे बापा माँकर टिकी टिकी रक्त अजाड़ ही पड़ी था। आम अंगारगढ़िया शिशु मंदिर रे प्रत्येक वर्ष फेब्रुआरी 14 को पितृमातृ दिवस पूजन हिसाब रे पालन करा जाए। सब अभिभावक अभिभाविका माने आसंती पिला माने आसंती थाली रे फूल चंदन अर्घ्य बंदापना करी पितामाता समस्ते पूजा करी थांती जहार पितामाता आसी न थांती गुरुजी गुरुमा माने पिला मानकर पितामाता भली से पितामाता स्थान रे बसी थांती पूजा पितृमातृ पूजन कार्यक्रम होइथाय जो संगीत से गान करा जाए प्रत्येक प्रत्येकंकर पितामाता कथा मने पकाई से माने मध्य कांदी पकाई थांती भाव विहोल होइकी ई जो केते समय रे हमर पितृमातृ पूजन दिवस कार्यक्रम ता फलरे कोन हुए ना पिला मानक मन रे पितामाता प्रति भक्ति भाव संचार होइथाय से मानकर पर पीढ़ी को मध्य से माने पितृमातृ पूजन दिवस हिसाब रे
ପିଲାମାନଙ୍କୁ 14 ତାରିଖକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଳନ ନକରି ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଯେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବିପଥଗାମୀ ନ ହୋଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଜାରି ରହିବ, ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପୂଜା କରିବା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏଇଟା ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପସଂସ୍କୃତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରଭାବରେ କି ଆମ ପିଲା ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ଆମର କିଶୋର କିଶୋରୀ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ସନ୍ତାନମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅପସଂସ୍କୃତିରେ କି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଟିଭି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅପସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟାପୁଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କି ମାନେ ମାନେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ରକ୍ତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏଇଟା ଆମର ଗୌରବ, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଏଇଟା ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଏ ଅକାଳରେ ମେଘ ଆସିଲେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ପକାଏ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିନା ଢାଙ୍କି ରଖିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅପସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁରବୀ ଲୋକମାନେ ହତାଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୁବପିଢ଼ି ବେଲାଇନକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ ବି ମମତା ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଅଛି। ସେମାନେ ବି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଆଉ ନିଜର ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ଦିବସକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।